कुछ क्वेश्चन ने पी एस टेट दे फॉर्म जा तैयारी दे रिगार्डिंग मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन तो रिपीट ही हो रहे हैं सर बी एड सैम वाले पी एस टेट दे सकते बिल्कुल दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का नोटिस एन सी टी का नोटिस पाया है सर क्वालिफिकेशन वाली ऑप्शन विच बी एड टू ईयर इसते भी अलग वीडियो पाई हुई है तुसी सैकेंड ऑप्शन जिस विच 50% जे जनरल कैटेगरी दे हो और वन ईयर बी एड वाला ऑप्शन लै लो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर फॉर्म फिल करन दी तैयारी करन दे टाइम ते एलिजिबिलिटी दी ऑप्शन आउंदी है ते उस विच बी एल एड बी ए एंड दे नाल बी एड टू ईयर नहीं आ रही हाँ मैं दस्या है कि जिवें तुसी फस्ट ईयर वाली है ना वो भर दिओ जे तुसी ई टी टी दे हो ते तुहाडी वक्री भरी जाएगी प्लस टू वाली वो ऑप्शन चलो ये नहीं आती तुहाडे बी एड वन फस्ट ईयर वाला भर दो उत्थे गलती है ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर ई टी टी 23.25 केस बारे भी दस दो हाँ जी अलग तो मैं दस दाँगा हैलो सर आई एम योर स्टूडेंट रघवीर सर सर बी एड वाला बिना ई टी टी किया ई टी टी का पेपर फिल कर सकता है बी एड वाला बिना ई टी टी किया देखो पेपर फिल कर सकते हो जस्ट तुसी फीस देनी है पेपर हो जाना है कि उसका फायदा होएगा कि नहीं होएगा नॉर्मली हजे तक रूल है कि ई टी टी वाले की पोस्ट लिए बी एड वाले नहीं अप्लाई कर सकते जे पंजाब गवर्नमेंट अलाउ करती है डिमांड करती है एन सी टी तो रिक्वेस्ट लैके फिर एलिजिबिलिटी बनती है तुसी पेपर दे सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरी प्रॉब्लम कितने ये ना हो सकती हो कि तुसी ई टी टी जी है बाद विच कर दे हो पी एस टेट पहला क्लीयर कर दे हो इसका वो ना हो जाए हाँ एक्सरसाइज थोड़ी हो जाएगी सो फायदे भी है नहीं फायदे भी है नुकसान भी है डिपेंड करेगा सिचुएशन की है भर तुसी सकते हो मतलब टू पेपर दे सकते हैं कोई इशू तो नहीं मैं इशू दस दते ने जी प्रोबेबिलिटी फ्यूचर हो सकती है इशू ऐसे नहीं आएगा कि जो तुम ई टी टी करते हो तो फिर पेपर दे दो हूँ भी दे सकते हो सर ओ बी सी बी सी कैटागरी बी बी एड 45% वाली ऑप्शन जे थोड़ी एलिजिबिलिटी 5% की छूट होंगी है तो वह भर दो अदरवाइज 50 वाला तो चलेगा ही तुहानू कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेशक ए वाली ऑप्शन भर दो 50% वाला भर दो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर लैंग्वेज चूज़ करने की ऑप्शन नहीं है उधर विच किवें करनी है लैंग्वेज राजे कंपलसरी है पंजाबी तो इंग्लिश है कोई ऑप्शन आनी नहीं है सर मेरी बी एड है पर क्वालिफिकेशन च मैं फर्स्ट सैम चूज़ कर लिया है कि बाद विच करैक्शन हो सकती 5 to 8 तरीक विच करैक्शन होनी है उदो तुसी करैक्शन ये कर सकते हो तुहाडे फॉर्म ये ओपन हो जाएंगे सर मैंने ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर रख्या है और सबसाइडरी सब्जेक्ट में सबसाइडरी हुण मैनू नहीं है पता किन्ने साल तुसी पढ़िया है बॉटनी ते जूलॉजी है मेन बी एड मैं बी एड क्या सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन रख सकता हूँ प्लीज़ बता दो सर मैं बिहार से हूँ और यहाँ के अकॉर्डिंग टी जी टी आप ऑनर्स की केमिस्ट्री की हुई है साइंस और लैंग्वेज ले सकते हो साइंस के लिए आप एलिजिबल हो दूसरा अगर बॉटनी जूलॉजी ये पढ़ा हुआ है बिहार में पता नहीं ये मेजर और उसका सब्जेक्ट का 3 साल पढ़े कंडीशन है पंजाब में तो हमारे 3 साल पढ़े होने की कंडीशन है अगर आपके नहीं हैं तो आप आपका सिंपल साइंस और लैंग्वेज तो बनता है लेकिन साइंस और लाइफ साइंस भी बन सकता है और लाइफ हाँ साइंस और लाइफ साइंस और लैंग्वेज लैंग्वेज आपने कौन सी चूज़ करनी है वो आपको देखना पड़ेगा बिहार के मुताबिक टी जी टी टीचर के लिए बी एड में कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा साइंस आपका बेस्ट है साइंस के लिए आप एलिजिबल क्या पैडागोजी ऑफ साइंस पैडागोजी ऑफ लाइफ साइंस रख सकते हैं आपने 1 साल अगर पढ़ा है तो रख सकते हैं लेकिन कई स्टेट में ये कंडीशन है कि वो सब्जेक्ट 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए क्योंकि आपकी ऑनर केमिस्ट्री में है ये फिजिकल साइंस की बनती है और आपकी ऑनर अगर जूलॉजी या बॉटनी में होती तो आप एलिजिबल होना था अगर आपने बॉटनी और जूलॉजी 3 साल पढ़ी है अगर बिहार में ये रूल है तो पंजाब में है ये है पंजाब में आप लाइफ साइंस सिर्फ जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो बीएड के लिए हाँ आप एलिजिबल हो ये कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो साइंस एंड पेडागोजी ऑफ लाइफ साइंस ले सकते हो जी सर मैंने ग्रेजुएट केमिस्ट्री ऑनर हो गया सर मैंने ग्रेजुएट ओह माय गॉड सर मैंने ग्रेजुएशन माय गॉड सर मैथ ते इकोनॉमिक्स वाले पी एस टेट केड़ा पेपर कॉम्बीनेशन मेरा जो दस्या भी होया है तुसी मैथ लिए एलिजिबल बनना है कंपीट करना है तो मैथ साइंस ही तुहानू देना पड़ेगा जे तुसी मैथ लिए नहीं तुसी अच्छा तुसी इकोनॉमिक्स दूसरा पढ़िया है तो सोशल साइंस दे तुसी एडिशनल पेपर देना चाहोगे फिर तुसी एस एस टी दे के भी कर सकते हो
सो डिपेंड ये तुहाडी एस्पीरेशन ते है कि फरदर तुसी अगे जाके मैथ दे टीचर ले कंपटीशन लड़ना है सिलेक्शन जॉब लिए, फिर तुहानू मैथ ही भरना पाएगा, अदरवाइज SST भर सकते हो, PSAT हो जाएगा। सर बुक्स तो प्रिपेयर राजे बुक्स जड़ियाँ है पिछले वीडियो च दस दिता है, जे तुसी DLED ETT दे हो तो फस्ट तो फिफ्थ का कॉन्टेंट आएगा, सिलेबस पिछला है, NCERT दियाँ जां पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दियाँ बुक्स है, NCERT जरूर पढ़ो। दूसरा जे तुसी पेपर 2 ली है तो तुसी 8वीं जमात तक दियाँ किताबा पढ़निया है, 6वीं तो 8वीं तक दियाँ जिहड़ा तुहाडा सब्जेक्ट लैंदे हो। सर प्लीज़ रिवाइज, आई हैव डन हिस्ट्री ऑनर स्टडीज़ हिस्ट्री फॉर 3 ईयर, ठीक है, स्टडी इकनॉमिक्स 1 सेमेस्टर ओनली, स्टडी EBS ओनली 1 सेमेस्टर ओनली, स्टडी फिलोसफी 3 सेमेस्टर ओनली, आई एम एलिजिबल फॉर मास्टर कैडर SST? नहीं, आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपने हिस्ट्री ऑनर की हुई है ना, तो आपने दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, आपको एक एडिशनल पेपर देना पड़ेगा अगर आप पंजाब में हो तो। हाँ आप PSAT दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है सर, आई एम BEd फर्स्ट ईयर सेम में पढ़ रही हूँ, क्या मैं PSAT दिस ईयर? बिल्कुल दे सकते हो, वीडियो में बताया है, मेरा BEd च सब्जेक्ट साइंस इंग्लिश है, प्लीज़ टेल मी सर। हाँ जी, तुसी मैथ साइंस वाली स्ट्रीम लेके करोगे PSAT विच। नेक्स्ट है सर, सेंटर दे लिए कोई सेंटरली ऑप्शन नहीं आ रही, सो खुद देंगे, इदी कोई डरन वाली गल नहीं है। गुड मॉर्निंग, जो देंगे लेना पड़ना प्रसाद। गुड मॉर्निंग सर, आई वांट टू कंफर्म विच ऑप्शन ऑफ क्वालिफिकेशन आई चूज़, आई हैव डन BCOM। तुसी क्वालिफिकेशन विच BEd वाली च पूछ रहे हो तो 2 ईयर वाली 50% वाली आएगी, अदरवाइज कॉमर्स का ऑप्शन आंदा है उत्थे, बिल्कुल आंदा है। तुसी हुण किहड़े च, तुसी पूरा नहीं पूछा, अदरवाइज तुसी 50% वाली जिहड़ी है 2 ईयर 1 ईयर वाली BEd है वह लिख दो, 2 ईयर वाली भी तुसी बेशक कर रहे हो। सर प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, ऑन पटियाला ग्रेजुएशन की है तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एडिशनल किवें करिए, मैनू क्लीयर पुछो किहड़े प्रैक्टिकल की गल कर रहे हो, 4th सेम वाले हो तुसी, स्किल इन टीचिंग है उस तो मैं वीडियो पा दाँगा, दस दौ मैनू, थैंक। नेक्स्ट है सर, मैंने मैथमेटिक कंप्यूटर नाल BEd की है, मैनू ये नहीं समझ आ रही कि मैथ नाल सब्जेक्ट फिल करा या कंप्यूटर नाल। देखो कंप्यूटर की जॉब नहीं निकलती, तुसी मैथ लई कंपीट करना चाहते हो, 3 साल मैथ पढ़िया है, जे BA दे विच तां तुहानू मैथ स्ट्रीम दे नाल जिहड़ा है PSAT करना चाहिए है, साइंस के क्वेश्चन कुछ एक तैयार करने पैणगे, फिर तुसी मैथ लई एलिजिबल हो जाओगे ना। दूसरा तुसी लैंग्वेज तुहानू एडिशनल लेना चाहिए है कंप्यूटर की जगह पर, पर कोई गल नहीं, कंप्यूटर लिया होया कोई गल नहीं, तुसी मैथ दे नाल ही करोगे, एडिशनल तुहानू इंग्लिश या पंजाबी कर लेना चाहिए है, उहदे लई एलिजिबल बन जाओगे, जे तुसी मैथ रख्या है फिर भी बन जाओगे मैं पंजाबी जा दूसरे लई इंग्लिश लई। BCA विद कंप्यूटर साइंस मैथ विच सब्जेक्ट आई फिल, BCA विद कंप्यूटर, हाँ पिछला ही क्वेश्चन का आंसर बनता है, मैथ नू प्रेफर करना चाहिए है, मैथ साइंस स्ट्रीम नू, देखो PSAT हो जाएगा सोशल साइंस में, जब मैथ दी पोस्टा लिया फिर तुसी कंपीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि सोशल साइंस किया होएगा। सर मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, इंग्लिश दी ऑप्शन है सर? नहीं, इंग्लिश तुसी दूसरे सब्जेक्ट भी दसने आ राजे मैनू कि मैं हिस्ट्री है, पोलिटिकल है, मैथ है, इकनोमिक्स है, की है, वो मेन स्ट्रीम बनती है, वो बेस से तुहाडा बनना है, इंग्लिश वाले एलिजिबल, पंजाबी वाले एलिजिबल, सारे च ही हो रहे हैं। सर आई ग्रेजुएशन 83% डन BEd एंड बिलोंग टू SC कैटेगरी, शुड आई सिलेक्ट आइदर? हाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड मॉर्निंग, हियर कंसर्न अबाउट मास्टर कैडर जॉब एग्जाम एलिजिबिलिटी, आई हैव BEd विद मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इलेक्टिव इंग्लिश इन ग्रेजुएशन, ठीक है, मैथ्स 3 साल पढ़िया है, सो आई विल सिलेक्ट मैथ एंड साइंस, बिल्कुल ठीक है, आफ्टर क्वालिफिकेशन आई विल बी एलिजिबल बोथ है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, मैथ तुसी स्ट्रीम मैथ साइंस ऑप्ट करोगे, इंग्लिश लिए तुसी एलिजिबल हो 100%। माई क्वेश्चन इज देयर इज स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर लैंग्वेज सब्जेक्ट? नो, सिर्फ उर्दू संस्कृत ली है। सर NTT वाले PSAT मेरे ख्याल हो चुके, पहले क्वेश्चन आ चुके ने। सर कमर्स वाले स्टूडेंट PSAT 2 भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, सोशल साइंस स्ट्रीम भरनी है तुसी। सर आई हैव डन पेमेंट फ्रॉम मेरे ख्याल ईमेल का, ये मैं जवाब दे चुका, थैंक यू। ये क्वेश्चन सके, कोई होर क्वेश्चन होन तो कमेंट कर सकते हो, मैं कुछ हो मैं पा रहा हाँ, कोर्स भी सॉरी learn2actualize.com ते कोर्स जाके तुसी देख सकते हो,
100 रुपए का कोर्स है, पिछले साल के पेपर हैं, 150 का है, नाल SST देने ईजी है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर है और तुहाडे क्वेश्चन तुसी ईजीली ऑपरेट कर सकते हो, जो मर्जी जिथे मर्जी यूज़ कर सकते हो, फीडबैक इमीडिएट मिलती है, राइट आंसर रोंग आंसर पर लर्निंग होंगी है। 600 रुपए का जो 3-3 हज़ार का कोर्स है, वो हल्का जहा कोर्स रखा है, विच मेजर कंसैप्ट कोशिश करांगे करवा देंगे, लेकिन क्वेश्चन द फ्लड क्वेश्चन ज़्यादा करवावे, खास तौर पर जो पहली बार पी एस टेट देन लगे ने वो ये उन्होंने कोर्स सस्ता फायदेमंद है।